हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे राजपूती पोशाक की कुर्ती किस तरह से कटिंग की जाती है। तो ये मैंने कुर्ती को फोल्ड करके रख दिया है। तो ये कुर्ती का नाप है, तो नाप से किस तरह से बनाया जाता है ये सिखाएंगे आज। तो इस तरह से सबसे पहले नीचे की साइड से नाप लेना है हमें। ये 21 इंच है। और अब कुर्ती की लंबाई लेनी है, तो कुर्ती की लंबाई है 26 इंच। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई हमारी है 26 इंच, तो हम 26 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और इस साइड भी हम 26 इंच पे मार्किंग कर देंगे। आप कुर्ती के नीचे के साइड में हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें 10.5 इंच मार्किंग कर देनी है। और ये हिप का निशान, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से साइड्स का कट है, तो यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। और ये जो निशान है ये गलत है, इसको मैंने कट करके रख दिया है। अब हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर है हमारा 16 इंच। शोल्डर है 16 इंच का आधा 8 इंच, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग कर देनी है हमें। अब इसके आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे, तो आर्मोल का मेजरमेंट है 9 इंच। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमने कमर 11 इंच रखी थी। चेस्ट 10.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और इस तरह से हम एक शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमें अंदर की साइड में 1/2 इंच कम लेके एक निशान लगा देना है। अब यहाँ पे कॉर्नर से हमें 1 इंच का निशान लगाना है। और इस तरह से हमें आर्मोल की शेप दे देनी है। तो ये देखिए आर्मोल की हमने, अब ये देखिए इस तरह से आर्मोल की शेप दे देनी है। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो नीचे घेरे से कटिंग करते हुए हम यहाँ तक, अब यहाँ पे हम इस निशान तक कट करेंगे। और यहाँ से हमें कैंची को बिल्कुल तिरछा ले लेना है। और हल्की सी चौक के निशान के हिसाब से हमें गोलाई ले लेनी है। ज़्यादा गोलाई नहीं लेनी है, थोड़ा सा काप रहने देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहने देना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा देते हैं। अब इसकी ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे, जो हमने 26 इंच लंबाई की थी। अब कुर्ती को इस तरह से घुमाते हुए हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। आप अगर चाहें तो उसी तरह रख के कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुर्ती का एक पल्ला उठा के और की हमें कटिंग करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड का आर्मोल कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रंट साइड का आर्मोल कटिंग हुआ है। चारों आर्मोल हमें एक साथ में नहीं कटिंग करना, ये देखिए फ्रंट साइड का है,
अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। तो बैक साइड का आर्मोल कटिंग करने से पहले हमें इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमें निशान लगाना है और इसकी भी हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए, इसकी इस तरह से हमें शेप देके और इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हो रहा है जब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो पूरा होने के बाद में हम लाइक करना भूल जाते हैं। और आप कुछ भी राजपूती पोशाक के बारे में या और भी किसी भी सिलाई के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हमारे को शोल्डर आधा इंच कम कर लेना है, इस तरह से तिरछी कटिंग करके। तो ये देखिए, शोल्डर की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती को जो हमने फोल्ड करके रखा था उसकी हम कटिंग करके दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे, आगे पीछे के। तो ये अस्तर की कटिंग हो गई है, ये अस्तर वाली कुर्ती है। और ये हमारा ऊपर मेन कपड़ा है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हमें अस्तर रख के और पूरी दूर हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।